सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे और आपके पालतू जानवर भी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाजियाबाद बाजीगर में। तो गाइस, आज हम छत पर आ चुके हैं फिर से और चिकनावा विकनावा बनाकर ऊपर आए हैं। ठीक है, आपको चिकनावा कैसे बनाते हैं इसकी भी वीडियो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, कैसे बनाया जाता है चिकनावा। और मौसम जो है ना आज पूरा खुला पड़ा है, तो आज हम अपने कबूतर आगे करेंगे। किसी सैदी भाई ने भी नहीं खोले भाई, बिल्कुल भी किसी ने, चारों तरफ आप देख लो किसी ने भी कबूतर नहीं खोले हैं। ठीक है, हम खोलेंगे अपने कबूतर आगे करेंगे। कल हमारा कबूतर भाइयों काफी अच्छा गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपको पीछे बिल्डिंगें दिख रही है ना, उस साइड गया था। कम से कम 4 मिनट अपना कबूतर गायब रहा था। तो आज कोशिश है कि दोबारा वहीं पेला जाए कबूतर को, वहीं पे भेजा जाए। ठीक है, देखते हैं आज क्या रिजल्ट रहता है कबूतरों का। और कबूतर खोल देते हैं, खोल दो भाई, कबूतर खोल देते हैं। ठीक है, उड़ाते हैं, कोई नहीं है मैदान में, हम ही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आज पूरा शौक दिखाएंगे और चिकनावा कैसे बनता वो भी दिखाएंगे गाइस। ठीक है गाइस, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। कबूतर खुल गए गाइस, निकल गए हैं, देख लिया आप, ये उड़ रहे कबूतर, मादी ने निकल गई है ये। देखिए गाइस, ये उड़ रहे सारे कबूतर पीछे अपने, आपको अगर दिख रहे हो तो, ये आ रहे ऊपर। तो मैं दोस्तों पीछे वाले कैमरे से आपको शौक दिखाता हूँ कैसे कबूतर जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना, बिल्कुल सारे कबूतर मिल जाने दो, फिर पेलेंगे दोस्तों, डांट वाट लगाएंगे थोड़ी। और चिकनावा बनाने की वीडियो एंड में जरूर देख के जाना गाइस, मैंने आज आपको चिकनावा बनाना सिखाया कि चिकनावा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो गाइस देखिए आप कबूतर वो जा रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैं गाइस दरवे के ऊपर जाता हूँ, दरवे के ऊपर से आपको शॉक कराता हूँ ताकि आपको पूरा दिख पाए कि कैसे जा रहा है कबूतर। देखिए गाइस, वो रहा कबूतर बिल्डिंगों के ऊपर, आ रहा है कबूतर, रुक जा आ रहा है, रुक जा। देखिए गाइस कितना दूर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अपने भाई लोग कबूतर उड़ा रहे हैं। ठीक है, वो जा रहा कबूतर, वहीं घूम रहा है गाइस कबूतर, पता नहीं। तो बंदी कर लो फोन, या तो सीढ़ी मार लो, समझ ले भाइयों। एंड तक बने रहे, आज आपको पूरा शौक दिखाएंगे कबूतर कैसा जा रहा है, कैसा आ रहा है। ठीक है गाइस, एंड तक बने रहे गाइस। तो गाइस देखिए, आ रहे कबूतर अपने, बिल्कुल पट होता हुआ गया था गाइस, वहीं से आ रहा कबूतर अपना। ठीक है, मैं आपको शौक दिखाता हूँ गाइस, ये आ रहे कबूतर अपने, जूम कर दो, ये आ रहे गाइस अपने कबूतर, अभी गाइस आएगा फिर पेलेंगे इसे। ठीक है, ये आ रहा गाइस, आप देख सकते हैं कबूतर आ रहा बिल्कुल छत पे। आ बेटे, आज कबूतर छटेंगे ना हमारे, और दांत के सब बताऊंगा ना, फड़का मत फड़का मत, अब अलग कर, मैं अपने अलग करूंगा। या आ गए गाइस कबूतर, अब फिर पेलेंगे ना हम। भाई देखो कबूतर कितना लंबा गया हुआ है, वीडियो में एंड तक बने रहे। ठीक है, आ रहा है आप कबूतर, देखिए आप कितनी दूरी से आ रहा है, घर पे आ रहा है कबूतर, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो गाइस, और आपको दिख रहे हो, ये आ रहा दोस्तों गाइस कबूतर। ये आ गया गाइस कबूतर। सो गाइस, आज हमने अपने कबूतर जो है बहुत बढ़िया से आगे पीछे करे, कबूतर अच्छा जा रहा है भाई, ये लंबा जा रहा है। ठीक है, कुछ देर तो गाइस कबूतर गायब भी रहा, कबूतर अच्छा हाथ मार रहा है, आगे जा रहा है। तो अब जो है ना कबूतर हमारा काफ़ी लंबा गया था, तो हमने उतार लिया अपने सारे कबूतर, अब जो है हमने दाना देंगे और तावे वावे कराएंगे, तावे करा के बंद कर देंगे। तो जब तक दोस्तों यहाँ पर जो है तावे कराएंगे, मैं नीचे जाकर चिकनावा बनाऊंगा। ठीक है गाइस, चिकनावा बनाऊंगा और आपको वीडियो में दिखाऊंगा गाइस कैसे चिकनावा बनाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को जरूर देखे गाइस पूरा, ताकि आपको पता लगे चिकनावा कैसे बनता है, सिंपल चिकनावा बनाएंगे। तो
तो गाइज मैं नीचे आ गया हूँ। सबसे पहले आटा आपको गूंद लेना है, ठीक है। दो रोटी का चिकना बनाएंगे, हमारे पास 45 कबूतर है, ठीक है। 45 कबूतरों के लिए दो रोटी का चिकना बनाएंगे। जैसे आपके घर पे रोटी बनती है गाइज वैसी बनेगी, लेकिन रोटी जो है भाई थोड़ी मोटी बनेगी, ठीक है। थोड़ी मोटी रोटी बनेगी ताकि जो है अच्छे से चिकनावा बन सके। और आपको रोटी ज़्यादा सेकनी नहीं है, कच्ची पक्की रोटी रखनी है। आपको आटे को दो हिस्सों में बांट लेना है। बांटने के बाद एक बर्तन में दोस्तों घी ले लेना है। घी लेके जब तक घी गर्म होएगा, आटा वाटा जो है आपको अच्छे से गोल करके बेल लेना है। बेलने के बाद जब तक घी गर्म होएगा, ठीक है, घी में आपको दिखा देता हूँ कैसे गर्म करना है। आपको घी रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस इतना गर्म करना है कि अच्छे से पिघल जाए गाइस और थोड़ा बहुत गर्म हो जाए। और इसमें आपको एक लहसुन का टुकड़ा डाल देना है, ठीक है। गरम गरम में जब ये पिघल जाए थोड़ा, तो इसमें एक लहसुन का टुकड़ा डाल देना है आपको। और आपको फिर रोटी सेक लेनी है, गैस बंद कर देना घी का। पिघलने के बाद लहसुन का टुकड़ा डाल देना, फिर आपको रोटी सेकने लग जाना है, ठीक है गाइस। तो अब रोटी सेकने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले आप रोटी को बेल लेना गोल गोल करके, और ज़्यादा मोटी मत बेलना गाइस। ओ सॉरी, आपको ज़्यादा पतली नहीं बेलनी, थोड़ी मोटी बेलनी, जैसे घर पे रोटी बनती है ना उससे थोड़ी मोटी बेलनी है आपको, ठीक है। वरना क्या होगा, हम रोटी सेकेंगे तो जो रोटी है ना पूरी पक जाएगी। अगर आप मोटी सेकोगे तो सही रहेगा। तो गाइस आज हम पहले चिकनावा बना के चढ़ेंगे छत पे, तो देखिए हमने रोटी सेक लिया। रोटी आपको ज़्यादा पतली नहीं सेकनी, जैसे घर पे सेकते हैं ना वैसी नहीं सेकनी, थोड़ी मोटी सेकनी है चिकनावे के लिए। तो गाइस देख सकते हैं ऐसी आपको कच्ची पक्की रोटी बनानी है, ठीक है। ज्यादा पकाना नहीं है। एक चिकनावा गाइस होता है जिसका गोल सा पेड़ा बना लेते हैं, उसको जला के फिर अंदर से निकाल के बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम रोटी वाली बना रहे हैं, सिंपल चिकनावा है, बस जानदारी के लिए। बादाम बादाम कुछ नहीं, बस घी और रोटी को, ठीक है गाइस। तो गाइस अपनी कच्ची पक्की रोटी बन गई है, ठीक है। देख लो आप, ज्यादा पकी हुई रोटी नहीं, कच्ची पक्की रोटी है। जो है ना इसको हम तोड़ लेंगे, तोड़ के फिर इसमें घी मिलाएंगे। और जो है ना आपको गरम गरम नहीं करना, ये रोटी जो है सूख जाएगी बिल्कुल। नीचे लिखा दोस्तों, इसे गरम गरम में आपको तोड़ लेना है, ठीक है। हल्का हल्का आराम आराम से तोड़ना है आपको। तोड़ने के बाद इसमें जो है ना अच्छे से पहले तोड़ ले आप इसको, उसके बाद इसमें घी डालना है। घी आपको एक बार में सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे आप घी। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप घी डालते रहना। तो देखिए मैंने पहले थोड़ा सा लिया है, फिर अभी थोड़ा सा और डालेंगे, ठीक है। मैं एंड में ना गाइस थोड़ा सा घी बचा लूँगा, क्योंकि मैं छत पर जाऊँगा। छत पर जाके ना इसमें जो है थोड़ा एक मसाला डालूंगा। मसाले में दोस्तों कुछ नहीं, सिंपल सा मसाला, वो मैं आपको बता दूंगा क्या डालना है। तो गाइज अब इसको जो है हम अच्छे से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद थोड़ा बहुत घी भी मिला लेंगे और थोड़ा सा घी बचा लेंगे, ऊपर जाएंगे। सिंपल चिकनावा है गाइज, कुछ नहीं है, रोटी बनानी है कच्ची पक्की, और उसमें आपको घी डाल देना है। घी डाल के आपको बना के कबूतरों को दे देना है, ठीक है। अभी मैं ऊपर जाऊंगा और कबूतरों को दे के दिखाऊंगा। कबूतर भाई इसको बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ही अच्छे से खाते हैं गाइज। इसको खाने के लिए ना मतलब गाइज कबूतर एकदम पागल हो जाता है कि भाई मुझे मिल जाए, बस मिल जाए, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा और घी डाल लिया, जरूरत के हिसाब से घी डाल रहा हूँ। ऐसे आपको डालना, थोड़ा सा बचा लूंगा, छत पे जाके मिला लूंगा उस घी को। मिलाने के बाद जो है ताकि जो है ना थोड़ा ताज़ा ताज़ा रहेगा, हल्का सा घी अगर ऊपर जाके डालेंगे तो कबूतरों को जो है मज़ा आएगा खाने में। ना तो क्या होता है गाइस, पहले से बना के रखो तो ये सूख जाता है बिल्कुल ही। सर्दी का मौसम है गाइस, घी जम जाता है। इस चक्कर में जो है हम घी थोड़ा सा बाद में डालते हैं गर्म करके। अच्छे से आपको मसल लेना है, ऐसे मसलना है कि इसमें जो है ना मोटी मोटी गांठ ना रह जाए, बिल्कुल जैसे है ना ये बिल्कुल एकदम आटे जैसा हो जाए दोबारा, बिल्कुल जैसे आटा गूंदते। सो गाइस मैंने बोला था आपको एंड में हम थोड़ा सा घी बचा कर रखेंगे, ठीक है। तो ये घी है, ये डाल देंगे हम, और जो मसाला मिलाना है वो मसाला डालेंगे, ठीक है गाइस। तो पहले मैं घी मिला लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मसाला कौन सा मिलाना है। गाइस हमारा चिकनावा जो है ना थोड़ा सा सूख गया है, क्योंकि बहुत देर से बना पड़ा रखा हुआ था ये छत पे। हम सॉक कर रहे थे कबूतरों का, उड़ा रहे थे, तो इस मारे हम थोड़ा घी बचा लेते ताकि एंड में जो है ना चिकनावा थोड़ा तर रहे घी से बढ़िया। अब बच्चे जो सारा डाल देंगे गाइस। कबूतर खाने के लिए आ रहे इधर इधर, एक हाथ से हटा दे रहे।
तो गाइस हमने इसमें जो है ना पांच काली मिर्च, पांच दखनी मिर्च का चुटकी बना करके डाली है इसमें, ठीक है। और ये अपना चिकनावा तैयार है, हम अपने कबूतर को डाल देंगे। गाइज आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।